गुड आफ्टरनून निकल, पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए या खास करके जनवरी से अभी तक देखें तो निकल में काफ़ी अच्छी गिरावट देखी गई है। ऑलमोस्ट हमने 15 से 16% की गिरावट आती हुई देखी, जबकि पिछले साल हमने निकल में काफ़ी अच्छी रैली आती हुई देखी। फंडामेंटल में हमने देखा फिलीपींस में जो इशू चल रहे थे उसके बाद प्राइजेस में काफ़ी अच्छे जम्प्स आए थे, बट जनवरी में जो इन्होंने नई पॉलिसी लाई है 12 जनवरी से जो लागू हुई है उसके बाद वो एक्सपोर्ट भी कर पा रहे थे और मार्केट सरप्लस में आने की वजह से प्राइजेस में हमने मोटा मोटी 15% का एक ड्रॉप आते हुए देखा। टेक्निकली देखा जाए तो नो डाउट मार्केट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है 590 का। अगर ये 585-590 का लेवल अगर होल्ड कर जाता है तो मुझे लगता है कि एक रिट्रेसमेंट आ सकता है फिर से निकल के प्राइजेस में, जो करीबन 660 से लेकर 690 का रहेगा। टाइमिंग डिमांड साइड की बात करें तो ग्लोबल स्लोडाउन की वजह से चाहे चाइना हो चाहे यूरोपियन मार्केट हो, कहीं पे भी मेजर डिमांड निकल के आ नहीं पा रही, बट होप लगाए जा रहे हैं कि जिस ढंग से IMF के स्टेटमेंट आए हैं कि सेकेंड हाफ में डिमांड में इम्प्रूवमेंट आ सकती है, तो मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अगर निकल का देखा जाए तो 605-610 के लेवल काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। स्टॉप लॉस 570 का रहेगा, प्राइजेस ऊपर में 660 से लेकर 690 का लेवल दिखाएगा, बट मोस्ट प्रॉब्ली इसको 1.5 से 2 महीने की अवधि का एक आउटलुक लेके बाय किया जा सकता है। धन्यवाद।